हेलो अरेवान नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग वेलकम प्लेटफॉर्म ऑफ गेटिनिटी कैसे हो आप लोग तो चलिए आपको लेके चलते हैं एक न्यू रिक्रूटमेंट जो कि ओपन हो चुका है फॉर द गेट 2023 स्टूडेंट्स यस सही सुना आपने ये गेट 2023 के बच्चों के लिए है जो रिक्रूटमेंट अभी ओपन होकर के आया है ये रिक्रूटमेंट लास्ट ईयर नहीं आया था जिसका आप लोग वेट करते रह गए थे लेकिन लास्ट ईयर ये नहीं आया था वो रिक्रूटमेंट आपके पास में आज ओपन होकर के आया दैट इज फ्रॉम द नालको

सो so, रिक्रूटमेंट जो आपका ओपन हुआ है ये जस्ट आपका ओपन हुआ इक्कीस फरवरी को ठीक है और ये हमारे पास जीई की पोस्ट है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की पोस्ट है किसके थ्रू है यह हमारे पास गेट ट्वेंटी के स्कोर के थ्रू है ठीक है ना ये ध्यान रखिएगा तो जिन्होंने भी गेट ट्वेंटी दिया था वो लोग लो इसको जरूर ध्यान से सुने जिन्होंने गेट ट्वेंटी दिया है गेट ट्वेंटी नहीं दिया था फिर उनके लिए ये रिक्रूटमेंट आपके यूजफुल नहीं है ठीक है सो so, नवरत्न कंपनी जैसा कि आप सभी जानते हैं ठीक है और इंडिया की रेनाउंड कंपनी है और इसका जो मेन हमारे पास प्रोडक्ट जो है हमारे पास जितने भी हमारे पास आपके पास में ओर्स हैं ठीक है ना और इसके अलावा मेटल्स एनर्जी सेक्टर्स के अंदर माइनिंग इन सभी में पर्टिकुलर डील करती है ठीक है और बेसिकली इसका कॉर्पोरेट ऑफिस जो है वो भुवनेश्वर में है और सारे के सारे जो भी आपके इंटरव्यूज़ होंगे इन फ्यूचर उसके लिए आपको भुवनेश्वर उड़ीसा ही विजिट करना पड़ेगा चलिए जी So, अब आते हैं तो यहां पर आपके पास में पहले थोड़ा सा मैं आपको एक चीज रिकॉल करा देता हूं ये रिक्रूटमेंट लास्ट जो रिक्रूटमेंट आपको ओपन हुआ था वो दो में ओपन हुआ था ठीक है जो मैंने गूगल शीट दे रखी है उसके अंदर अगर आप विजिट करते होंगे तो आपको पता होगा सारे रिक्रूटमेंट वहां पर अपडेटेड दो 2022 में जो रिक्रूटमेंट ओपन हुआ था उस टाइम पर जो वैकेंसीज आई थी वो 14 वैकेंसीज थी टोटल 14 वैकेंसीज आई थी ठीक है ना जहां पर गेट 2022 के थ्रू रिक्रूटमेंट हुआ था इसलिए लास्ट ईयर का कट ऑफ भी मैं आपको बताऊंगा कि आपका लास्ट ईयर का कितना कट ऑफ गया था और उसके बेसिस पर इस बार गेट 23 के थ्रू आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं ठीक है चलिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर टोटल 127 नंबर ऑफ पोस्ट हैं जिसमें कैटेगरी वाइज हमारे पास इस तरह से पोस्ट है और इलेक्ट्रिकल के अंदर में 100 नंबर ऑफ पोस्ट हैं सबसे ज्यादा पोस्ट हमारे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर में है इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर में 20 नंबर ऑफ पोस्ट है मेटलर्जी के अंदर में टेन नंबर ऑफ पोस्ट है आते हैं केमिकल इंजीनियरिंग की तरफ तो केमिकल इंजीनियरिंग में हमारे पास तो टोटल जो पोस्ट है दैट आर द दैट आर द दर्टन नंबर ऑफ पोस्ट ठीक है ना थर्टीन में से अगर हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज तो कैटेगरी वाइज भी आपको दिख रही है सबसे पहले हमारे पास अगर देखें ध्यान से जरा सबसे पहली कैटेगरी है एक वैकेंसी हमारे पास में ईडब्ल्यू एस कैटेगरी की है तीन वैकेंसी हमारे पास जो है वो आपकी ओबीसी कैटेगरी में और एक वैकेंसी एस टी कैटेगरी में है दो वैकेंसी एससी कैटेगरी में है और एक वैकेंसी हमारे पास फिजिकली चैलेंज के लिए भी है ठीक है तो ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन है

केमिस्ट्री से किया हुआ था ठीक है ना तो उनके पास भी एलिजिबिलिटी है आपके पास सिक्सेंट से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में ठीक है जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यू और ओबीसी के लिए 65 से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए जितने भी कैंडिडेट एस सी एस सी कैटेगरी के हैं और फिजिकली चैलेंज है उनके लिए फिफ्टी फाइव परसेंट का मार्क्स का वेटेज दिया गया है ठीक है ना और यह ध्यान रखिएगा यहां पर एक चीज और मेंशन की गई है कि टेकिंग एवरेज ऑफ ऑल द दस ठीक है तो जैसे यहाँ पर उसने ये बोल तो ये बोल दिया तो कि एक्चुअली जो फाइनल ईयर पास आउट हो चुके हैं तो उनके पास तो डिग्री में मेंशन होगा लेकिन अगला क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्या सर फाइनल ईयर इस बार का लिस बर लेके तो 2024 में पास आउट होने वाला है तो उनके लिए गुड न्यूज है कि जो भी स्टूडेंट हमारे पास में जो भी स्टूडेंट हमारे पास में है आ... इस बार फाइनल ईयर में हैं जो तो उनके लिए भी यहाँ पर मेंशन किया गया है फाइनल ईयर के इंजीनियरिंग के 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 या पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री डिसिप्लिन के अगर कोई है है तो तो उन सभी के लिए लिखा गया है, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं ध्यान जो दो हजार चौबीस में पास आउट हो रहे हैं लेकिन आपके पास अगर गेट ट्वेंटी का अच्छा स्कोर है तो आप उस स्कोर के बेसिस पर भी अप्लाई कर सकते हैं ठीक है ना गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है सोचो ना एक बार थर्ड ईयर वाले बोलते हैं सर हम क्या करेंगे गेट का हमारे लिए तो जस्ट ट्रायल है हम ऐसे ही दे देते हैं थर्ड ईयर के स्कोर अगर आपके पास था गेट ट्वेंटी थ्री का उसके बेसिस पर भी आपको फाइनल ईयर में अपॉर्चुनिटी मिल रही है ये कितनी बड़ी बात है तो अगर आप फाइनल ईयर में हैं और आपके पास गेट ट्वेंटी थ्री का स्कोर है देन यू कैन अप्लाई ठीक है और साफ साफ यहां पर मेंशन किया गया है कि आपके पास में पर्सनल इंटरव्यू के टाइम पर जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए तो क्वेश्चन ये आता है सर मेरे जो एग्जामिनेशन है फाइनल ईयर के वो तो सर अप्रैल मई जून में होंगे जा करके डोंट वरी यहाँ से एक आपको हिंट मिल जाता है कि जो भी इंटरव्यूज होंगे वो फाइनल ईयर जितने भी पास आउट जितने भी अपेयरिंग स्टूडेंट फिलअप कर रहे हैं उनके पास हाथ में जब डिग्री होगी उसके बाद ही होंगे ठीक है ना ये हिंट है आपके लिए बिकॉज क्योंकि उन्होंने अगर फाइनल ईयर अप्लीकेबल अगर बोला है तो फाइनल ईयर उनको भी पता है बोर्ड को भी पता है रिक्रूटमेंट बोर्ड को कि एक्चुअली आपके आपके एग्जाम्स कब कब तक तक होते हैं और हाथ में डिग्री आती है अगर वो दो महीने बाद अगर रिक्रूटमेंट कर भी देते हैं तो बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर में जनरली जो है ना अप्रैल में एग्जाम हो जाते हैं मोस्ट ऑफ द कॉलेज में मई में, में एग्जाम भी हो जाते हैं तो ये मान के चलिए कि अप्रोक्सिमेटली आपके पास में आपके जब एग्जाम हो जाएंगे फाइनल रिजल्ट आपके हाथ में जब होगा उसमें आपके 65% मार्क्स या फिर फिफ्टी मार्क्स अगर होंगे देन आपको इंटरव्यू के लिए क्या है अपियर होने दिया जाएगा तो आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब भी इंटरव्यू का टाइम होगा तो आपके हाथ में रिजल्ट होना चाहिए ठीक है ना तब उसके लिए भाई मेरे पास अब बार बार ये मत पूछना कि सर हम क्या करें भरें कि ना भरें तो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ जितने भी लोग फाइनल ईयर में हैं जिनके पास गेट 23 का स्कोर है आप लोग फिलअप कर सकते हैं किस स्कोर तक भरना है वो मैं भी बता दूंगा ठीक है चलिए जी अब अगला हमारे पास पार्ट ये आता है कि आपके पास में सीजीपीपी लेटर ऑफ ग्रेड डिग्री जो भी आपके पास में है वो इक्वल परसेंटेज के लिए आपके पास में जो नॉर्म्स आपके पास यूनिवर्सिटी के हैं उसके अकॉर्डिंगली आपके पास में होना चाहिए अगर आपका सी है सी से परसेंटेज कन्वर्जन करना ये आपके पास फार्मूला होगा उससे आप कन्वर्जन करके देख सकते हैं कन्वर्जन फार्मूला आपके पास में होना चाहिए उसने लिख दिया है ठीक है ना और कैंडिडेट जिसके पास भी हमारे पास जी की पोस्ट के लिए जो केमिकल इंजीनियरिंग के हैं केमिकल की पोस्ट के लिए वही एप्लीकेबल है जिनके पास केमिकल इंजीनियरिंग का इंजीनियरिंग का डिग्री है या फिर जिन्होंने एम किया है अप्लाइड केमिस्ट्री के अंदर ये दो लोग हैं जो केमिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हैं लेकिन आपके पास जो गेट का स्कोर है ठीक है ना जो गेट का स्कोर है अभी मैं आपको दिखा दूंगा जो गेट का स्कोर है वो केमिकल इंजीनियरिंग में ही होना चाहिए अपर एज लिमिट यहाँ पर 30 साल दी गई है 2 अप्रैल तक लिया गया है बिकॉज 2 अप्रैल इसका क्लोजिंग डेट है 2 अप्रैल तक अगर आपकी एज 30 साल भी हो रही है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं इस फॉर्म के अंदर काफी अच्छा खासा आपको एज क्राइटेरिया मिल जाता है ठीक है ना तो ये ध्यान रखिएगा तो तीस साल अगर आपकी एज हो रही है तो तीस साल किसके लिए होगा ऑब्वियसली जनरल के लिए होगा हो इसके बाद बाकी हमारे पास जो भी कैटेगरीज हैं तो कैटेगरीज ओबीसी और सी एस टी के अंदर मिल जाता है तीन और साल का वो आपको एज इज होगा ठीक है अब आते हैं यहाँ पर गेट ट्वेंटी थ्री सिलेक्शन प्रोसेस में साफ लिखा है कि आपके पास में जीएटी की पोस्ट के लिए दो के मार्क्स और आपका स्कोर जो है ना वो आपका वैलिड होगा उसी के बेसिस पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए ठीक है ना अब शॉर्टलिस्टिंग के लिए एक्चुअली हमारे पास में क्या है बेस्ड ऑन डिक्लेशन ऑफ एम एस सी अगर आपके पास में या फिर आपके पास इंजीनियरिंग का जो डिग्री है तो उसमें हमारे पास में गेट ट्वेंटी थ्री के मार्क्स के बेसिस पर हमारे पास जो कॉलिंग की जाने वाली है वो ये अच्छी चीज है आपके लिए ठीक है ना एक हिंट आपको यहाँ से मिलने लगा कैटेगरी वाइज वन रेशियो टेन में आपके पास कॉलिंग रहने वाली है ठीक है चलिए जी आगे ध्यान से देखिए जरा तो हमारे पास यहाँ पर एक चीज उन्होंने ये मेंशन कर दी है कि आपके पास में कोई भी पर्सनल इंटरव्यू के लिए ट्रैवलिंग अलाउंसेस जो है वो आपको पे नहीं किया जाएगा जब भी इंटरव्यू के लिए आपको बुलाएंगे कोई आपको टीए देने वाले वो नहीं है ठीक है अब यहाँ पर साफ साफ ये मेंशन किया गया है कि अगर आप जिस भी पोस्ट के लिए अपलिकेबल हैं उसमें आपके पास कौन सा गेट स्कोर होना चाहिए तो अगर आप केमिकल में अप्लाई कर रहे हैं तो केमिकल में आपके पास सी पेपर कोड का गेट स्कोर होना चाहिए मैकेनिकल में अप्लाई कर रहे हैं तो एम है तो का होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में अप्लाई कर रहे हैं तो डबल ई तो का होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन में अप्लाई कर रहे हैं तो आई का होना चाहिए मेथर्जी में अप्लाई कर रहे हैं तो एम का होना चाहिए एंड केमिस्ट्री में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास केमिस्ट्री का होना चाहिए ठीक है ना ध्यान रखिएगा तो ये आपके पास में क्या है ये आपके पास में गेट जो पेपर कोड वैलिड है वो लोग यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं ठीक है चलिए फाइनल सिलेक्शन के लिए अगर बाई चांस आपके पास में अगर ऐसा कुछ भी होता है कि अगर बाई चांस दो कैंडिडेट्स के मार्क्स अगर सिमिलर होते हैं सारे के अंदर ये कैटेगरी होती है तो वहां पर जो भी हाई एज का होता है उसको फिर प्रेफरेंस दी जाती है तो ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए अब यहाँ पर जो सिलेक्शन होने वाला है उसमें नाइनटी परसेंट वेटेज जो है वो गेट स्कोर का है ये सबसे अच्छी चीज आपके लिए हो जाती है नाइन्टी परसेंट वेटेज आपका गेट स्कोर का है टेन परसेंट वेटेज आपके पर्सनल इंटरव्यू का होने वाला है तो पी का मतलब ये नहीं कि आप जाकर के वहाँ पर मुंह बंद करके बैठ जाइए और आपकी ए आई है तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा ठीक है इसके लिए जरूरी है कि आपके पास में पी में दस का वेटेज जरूर है लेकिन वहां पर भी पी का कुछ ना कुछ क्वालिफाइंग कट ऑफ होगा ठीक है अब आ जाते हैं हमारे पास पैकेज की तरफ तो जो भी हमारे पास कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं तो वहां पर साफ लिखा है वन ईयर का ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा उसमें बेसिक पे आपको फोर्टी थाउजेंड मिलने वाला है ठीक है ना और इसके साथ साथ आपके पास में वन ईयर के ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद आपको असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट दी जाएगी जहां पर आपका पे स्केल से इसके साथ साथ डी इसके अलावा एचआरए मेडिकल फैसिलिटी सेल्फ डिपेंडेंस परफॉर्मेंस रिलेटेड सारे के सारे वहाँ पर आपके पास अलाउंस आपको मिलेंगे ठीक है ना सारे वहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं अब आते हैं हमारे पास में एक्चुअली हमारे पास में ट्रेनिंग पीरियड के बाद में आपके पास जो पोस्टिंग है वो किसी भी यूनिट ऑफिस में हो सकती है ऑल ओवर द इंडिया ठीक है तो इसके लिए आप रेडी रहिएगा की अगर कर बात करते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था के अंदर में सिंपली जो फिजिकली चैलेंज है ठीक है तो उनके लिए हमारे पास में जो डिग्री हमारे पास लिया गया है डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी फोर्टी से ऊपर होना चाहिए तो ये चीज आप एक बार देख सकते हैं अपने कैटेगरी के जो सर्टिफिकेट्स हैं उसमें साफ साफ लिखा है करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए मींस अभी आपके पास में अप्रैल uh, मास दिया गया है तो करंट फाइनेंशियल ईयर आपका जो है ना वो आपका जस्ट आपको पता है कि थर्टी फर्स्ट मार्च तक ओवर uh, होगा तो आपके पास में अगर लास्ट ईयर भी आपने बनवाया था ठीक है ना मतलब आपका अगर सर्टिफिकेट लास्ट ईयर अप्रैल से उसके बाद का है तो आपके पास वही सर्टिफिकेट वैलिड होगा आपको नया बनाने की नीड नहीं है ठीक है ना आप इसमें परेशान मत होइएगा आपके पास अगर लास्ट ईयर का भी सर्टिफिकेट है बस ये करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए मतलब एक अप्रैल से इकतीस मार्च दो के बीच का

ठीक है ना और अदर कैंडिडेट इंक्लूडिंग डिपार्टमेंटल कैंडिडेट रिक्वायर टू बी ओनली हंड्रेड रुपीज आपके पास जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस इन तीनों के लिए पांच सौ रुपीज फीस आपको पे करनी है इसके अलावा बाकी जितने भी हैं हमारे पास एस सी एस टी चैलेंज जितने भी हैं हमारे पास उन सभी के लिए हंड्रेड रुपीज आपको पे करना है ठीक है ना तो अब ये पहले क्वेश्चन ये आता है कि सर रिक्रूटमेंट ओपन कब से होने वाला है तो अप्लाई करने के लिए आपके पास वेबसाइट ही अवेलेबल है ठीक है ये रिक्रूटमेंट आपका ओपन होने वाला है दट विल ओपन फ्रॉम द थर्ड ऑफ द मार्च ठीक है तो ये ध्यान रखिएगा थर्ड ऑफ द मार्च से आपके पास ओपन होने वाला है

अब ये तो सारी की सारी बात हो गई हमारे पास में इस रिक्रूटमेंट के रिलेटेड डिटेल्स की अब आता है अगला क्वेश्चन जो हमारे पास में कि कि सर को सब ये बता दो जरा कि किस रैंक तक हमारे पास में कॉलिंग आने वाली है तो चलिए पहले जरा एक बार आपको प्रीवियस जरा जो हमारे पास में स्कोर है पहले थोड़ा सा उसकी तरफ आपको लेके चलते हैं वहां से आपको एक आइडिया और हिंट मिलेगा ठीक है ना और वहां से काफी कुछ चीजें जो है ना वो आपको समझ में आना क्लियर हो जाएंगी तो यहां पर मैं डिस्कशन कर रहा हूं नालको का जो रिक्रूटमेंट हुआ था लास्ट ईयर 2022 के अंदर उसके अंदर में कितना हमारे पास कट ऑफ की मैं बात करूंगा यहाँ पर ठीक है ना बिकॉज रैंक का मेरे पास में एक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि ऑफिशियल को कोई भी कट ऑफ डिक्लेयर नहीं करता है तो ये मेरे सोर्सेस के बेसिस पर ली गई इन्फॉर्मेशन है जिसके बेसिस पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ ठीक है चलिए जी तो हमारे पास सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी लास्ट दो में वैकेंसीज थी फोर्टीन चौदह वैकेंसीज थी और हमारे पास जो कॉलिंग होती है वो कॉलिंग होती है वन देशो टेन में मतलब टोटल हमारे पास में वन फोर्टी कैंडिडेट्स की कॉलिंग होनी थी ठीक है ना तो वन फोर्टी कैंडिडेट्स की अगर कॉलिंग होनी थी तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपकी कॉलिंग डिपेंड करती है कि आपके ऊपर वाले ने फॉर्म भरा है कि नहीं भरा है ये हमेशा ध्यान रखिएगा आपके पास कॉल आएगी ये डिपेंड करता है कि आपके ऊपर वाले ने फॉर्म भरा है कि नहीं भरा है जितने भी टॉप रैंकर्स होते हैं ऑब्वियसली वो तो श्योर होते हैं कि मेरे पास कॉल आएगी लेकिन जितने भी हमारे पास 100 प्लस के आसपास जो रैंकर्स होते हैं उनके लिए थोड़ा सा ही रहता है यार मेरे पास आएगी कि नहीं आएगी क्योंकि रीजन ये है कि स्टार्टिंग में सारे के सारे का जनरल कैटेगरी स्टार्टिंग से लेकर के वन से लेकर के और सपोज मान लीजिएगा सिक्सटी तक सबने फॉर्म फिल कर दिया तो फिर हंड्रेड के ऊपर भी कॉल जाने वाली नहीं है लेकिन ऐसा होता नहीं है बिकॉज सबकी अपनी चॉइसेस हैं कुछ लोग नाल नहीं पसंद करते हैं नहीं जाना चाहते हैं कुछ का एम में मन है कुछ के दूसरे रिस्पेक्टिव uh, हैं किस कुछ ओवर हो एज हो चुके हैं ऐसा भी हो सकता है ना जिसकी इस बार 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 ए आई आर वन आई है उसकी एज ट्वेंटी एट हो और बेचारा इस फॉर्म को भरने के लिए अपीलिकबल नहीं है तो ये सारे कंडीशन को देखते हुए हम आज बात कर रहे हैं तो हमारे पास जनरल कैटेगरी की अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ जनरल कैटेगरी में अप्रॉक्सीमेली हंड्रेड रैंक तक कॉलिंग की गई थी ठीक है ना टोटल वन फोर्टी कैंडिडेटेटेटेटेट्स कॉलिंग होनी थी ओ बी सी में हमारे पास वन थर्टी रैंक तक कॉलिंग की गई थी एस सी कैटगरी में वन फिफ्टी के आसपास तक कॉलिंग की गई थी ई डब्लू एस कैटेरी में हमारे पास में एक सौ पाँच एक सौ दस तक कॉलिंग की गई थी

सिक्सटी टॉप सिक्सटी कैंडिडेट्स के लिए अप्रोसीमेटली जो आपके पास कॉल जाने वाली है वो नाइन्टी या हंड्रेड रैंक तक जाने वाली है ठीक है ना मतलब जो टॉप हंड्रेड में है जनरल कैटेगरी में मैं ये बोलना चाहता हूँ जनरल कैटेगरी में जो टॉप हंड्रेड में है वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं गेट ट्वेंटी थ्री के बेसिस पर बात कर रहा हूँ इसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूँ किसके बेसिस पर दैट इज़ हमारे पास ई डब्लू एस कैटेगरी में ई डब्ल्यू एस कैटेगरी में हमारे पास में दस पोस्ट हैं तो अगर आपके पास ई डब्लू एस कैटेगरी में आपके पास में, आपके पास में आ, अगर आपका रैंक अप्रोसीमेटली ये मान के चलिए कि अप्रॉक्सीमेटली आपका रैंक अगर सेवेंटी के आसपास पास सॉरी आपका रैंक अगर सपोज मान लीजिए 110 के आसपास अगर है आपका ठीक है ना और 100 के आसपास भी अगर ई कैटेगरी में है तो अभी आप इस फॉर्म को फिलअ कर सकते हैं फिर मैं आपसे अगर बात करता हूँ ओबीसी कैटेगरी में जहाँ पर 10 लोग हमारे पास रहने वाले हैं तो ओबीसी कैटेगरी में भी हमारे पास में ये मान के चलिए अप्रॉक्सीमेटली कि आपके पास में कॉलिंग जैसे मैंने आपको बताया भी लास्ट ईयर के अंदर कि आपके पास कॉलिंग लगभग एक तक या फिर आपके पास एक तक ओ कैटेगरी में आपके पास में कॉलिंग जा सकती है ठीक है फिर अगर बात करते हैं हमारे पास में सॉरी हमारे पास यहाँ पर तीस है ना हाँ सही है हमारे पास अगला अगर बात करता हूँ आपसे अगर एस टी कटेगरी के लिए जहाँ पर दस कैंडिडेट कॉलिंग जाने वाली है एस टी कटगेगरी में इस बार भी कॉलिंग लगभग लगभग एक सौ तीस एक सौ चालीस के आसपास रहने वाली है लेकिन एक सौ पचास तक भी जा सकती है और एस सी कैटगरी में हमारे पास जो है आपका वो लगभग एक सौ चालीस पचास तक जा सकती है दोनों में लगभग ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है फिजिकली चैलेंज के अंदर लगभग लगभग ये मान के चलिए दो सौ तक या फिर आपके पास में अगर आपकी रैंक रही है लास्ट ईयर दो सौ तक तो आपके पास में कॉल जा सकती है इसके ऊपर भी आपके पास कॉल जा सकती है ठीक ठीक है 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 ना 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 तो तो इस इस के के अंदर में 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 जिनकी भी अगर आ रही है, तो वो लोग जो है ना, इस को जरूर भरिएगा लगभग मान चलिए तक, तो तक और जो भी एस सी एस टी 150 है और जो भी फिजिकली चैलेंज है तो ये मान के चलिए टॉप टू हंड्रेड या टू फिफ्टी तक जो है ना वो लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं थेके? तो ये एक कंप्लीट डिटेल्स आपको जो मेरे को देनी थी नालको का जो रिक्रूटमेंट ओपन हुआ है बाकी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट आप कर सकते हैं अगर आपके पास हमारा गेट इनिटी लर्निंग ऐप नहीं है तो उसको डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि इस रिक्रूटमेंट का जो पी है आपको उसी हमारे ऐप के अंदर मिल जाएगा ठीक है बाकी अगर कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिनका भी गेट 24 फोर अपियर हुए थे और उनका अगर मार्क्स अगर 20 के ऊपर है तो उन सभी के लिए हम लोगों ने एक ऑफर रिलीज किया है जैसा कि आपको दिख रहा होगा आपके आपके स्क्रीन पर इस ऑफर को आप यूटिलाइज कर सकते हैं 50 से अगर ज्यादा मार्क्स हैं तो आपको सिर्फ हमें एक नॉमिनल रजिस्ट्रेशन फी पे करनी है और आप हमारे प्राइम के स्टूडेंट बन सकते हैं बिकॉज आपको सिर्फ एक छोटे से मेहनत की जरूरत है क्या गलतियां आपसे हुई हैं उनको रिमूव करने की जरूरत है और आप नेक्स्ट टाइम के रैंकर्स हो सकते हैं इसके अलावा जिनका भी स्कोर रैंक सॉरी जिनका भी मार्क्स जो है फोर्टी के प्लस है उनको सिर्फ रुपीस हमें पे पे करना करना है है कोई जीएसटी अभी आपको 29, तक पे नहीं करना है। और इसके अलावा जिनका भी थर्टी फाइव प्लस मार्क्स है वो उनको थाउजेंड पे करना रहेगा केवल विदाउट जीएसटी देन थर्टी प्लस के लिए सिक्सटीन थाउजेंड ट्वेंटी फाइव प्लस के लिए एटीन थाउजेंड एंड ट्वेंटी प्लस के लिए भी ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज में आपके कोर्सेज अवेलेबल हैं ये उनके लिए है जिनके अंदर हिम्मत है जिन्होंने गेट अपीयर किया और इतने मार्क्स अगर गेट 24 में आप ला रहे हैं जिसको आप टफ पेपर बोल रहे थे तो उन सभी के लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट तो होना चाहिए ठीक है ना तो फटाफट से अगर आपने ले रखा है तो अपने जो भी कलीग्स है जूनियर्स है आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं और जल्दी जल्दी हमारा जो करंट में आपका संकल्पन बुनियाद बच्चे चल रहे हैं जिनके अंदर हीट ट्रांसफर ऑपरेशन एंड प्रोसेस कैलकुलेशन सब्जेक्ट्स आपको मिल रहे हैं तो फटाफट से ज्वाइन कर सकते हैं आप ठीक है ना अपने कलीग्स एंड जूनियर्स को इन्फॉर्म भी कर सकते हैं बाकी ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे साथ बने रहिए टच में रहिए ठीक है सतत के लिए Tata bye bye thank you everyone and best of luck